السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد صفة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبي صالح قال قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لضرار بن ضمرة صف لي عليا أبو صالح راويه كحضرة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ज़राब ने ज़मर से फ़रमाया जो हज़रत अली के मखसूस रफाक़ा और तलामीज़ में थे शिफ़ ली अली वसीफ़न वसीफ़तन का अमर सिफ़ मेरे लिए मेरे सामने अली रज़ील्न अन्हु के अवसाफ़ उनके अखलाको शामिल बयान करो आप भी अपने जुमले में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सिफ़ करियता का अपनी बस्ती का हाल मुझे बताओ सिफ़ ली का तिफलना वालिद का मुमतिन सवाल कर सकता है सिफ़ल हदीक़त बैती का ज़ीरा इब्न जमरा ने अर्ज किया अव तोीनी अव तोीनी क्या आप मुझे इस जिम्मेदारी से सबकदोश फरमाएँगे अफ़ाफ़ीफ़ा सबकदोश करना मुत्दी है आफा अम्र मैंने तुमको इस ज़िम्मेदारी से माफ़ रखा यानी ज़िम्मेदारी तुम पर नहीं डाल रहा हूँ तो वो यही अर्ज़ कर रहे हैं कि आप मुझे इस ज़िम्मेदारी िदारी दोष फरमा दीजिए ये मुझे ये बड़ा काम मेरे हवाले ना कीजिए ये तो मुश्किल काम है कि आपके सामने हज़रत अली क्या साफ बयान करें फिर उनकी याद आ जाएगी तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे सिफ हो तो हज़रत मुआविया ने फ़रमाया कि नहीं बयान करो उनके अवसाफ़ अला अव तोीनी आप मुझे इससे सुबकदोश फरमाइए अगर कोई आपके सामने कोई मनसब पेश करे तो आप कह सकते हैं आफ़ीनी हादनस के इस उहदे से मुझे आप माफ़ रखिए। रखिएफ़ी का तो कहा कि नहीं मैं तुझे मैं तुम्हें सबकदोश नहीं करूँगा और तुम्हें माफ़ नहीं रखूँगा तुम्हें बयान करना ही पड़ेगा قال أما إذن بعيد المدى أما إذن أما है और इज़न में जो तनवीन आई है वो एक जुमला महजूफ़ है उसके बदल की तनवीन है अम्मा इजा कानलमरु कज़ालिक यानी अम्मा इज़ा अमर तनी अगर आप मुझे इस बात का हुक्म दे रहे हैं तो सुनिए फ़ैन कान बीदलमदा अम्मा के जवाब में फ़ा आता है फ़िन ना ही काना ब़ैदल हज़रत अली रज़ी अल्लाह के औसाफ़ ये हैं कि वो अल्लाह की कसम काना बीदलमदा दूर की गायत वाले थे दूर रस थे मदा गायत हद यानी उनकी पहुँच बहुत आला और बहुत दूर तक थी उनकी अक्ल की रसाई उनकी हिम्मत की रसाई उनके आज़ाइम की रसाई उनकी ताकत और क़वत की रसाई बहुत दूर तक थी दूर रस इंसान थे शदीद अल कुवा अज़ा जवारह और कुवा के मजबूत थे क़वत उनकी जमा कुवा और क़वा की मुनासिबत से आप इसको मुदा भी पढ़ सकते हैं क्योंकि मदीतन के मायने छुरी के भी आते हैं लेकिन साथ ही में मदा के जो मायने हैं वो भी मुदा के आते हैं गायत के मायने तो दोनों जमा हो जाएंगे और मुनासबत हो जाएगी की जमा क़ुवा और मुदीत उनकी जमा मुदा काना कहना बीदलमदा शदीद अलवा यानी बदलयात उनकी गायात उनके अहदाफ़ मक़ाद और, और आजाइम बहुत बुलंद थे और उनके अज़ा व जवारह और उनकी ताकत मज़बूत थी यसला व यह कदला फ़सलन ये सिफत है क़िलान की यक़ूल क़ौन फ़सलन। और सिफत कैसे बन गया मज़दर हालाँकि फसल यफ़सल फसलन मज़दर है तो फाइल की तावील में कर लिया जाता है मज़दर यानी यकूल फासिलन वो फैसला कन बात फरमाते थे फास बीन बातिल ऐसी बात फरमाते जो हक बातिल के दरमियान फैसला करने वाली हो वकुम आदलन यहाँ भी इसी तरह से व यहुम हकमन और आदिलन आदिलन के मायने में आदिल मसदर है लेकिन मसदर को कभी मुबालगता फाइल के मायने में ले आते हैं रजुलन आदल यानी सरापा इंसाफ़ है यह शख्स यजरम उमिन जवानी भी ही उमिन नवाही ही इल्म उनके चार जानिब से फूटता था बहुत अच्छी ताबीर है आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं न फन तथा फर तकवा भी कुल तकवा के चार जानिब से उबलता है ज़ाहिर होता है यशो मीन दुनिया व जहरती हा वसत अनिशु बिल्ली वुलमती इस तवहैशा मीन हो वह महसूस करना और इस्तानसा तसा भी उसकी जिद है स और लगाव और ताल्लुक़ महसूस करना हज़रत अली दुनिया से और दुनिया की जेब वज़ीनत से और टीप टाप से वहशत महसूस करते थे और रात और उसकी तारीकी से उनस महसूस करते थे क्योंकि उसमें इबादत करने में उनको लुत्फ़ आता था बहुत अच्छी ताबीर है इस मीन हो और इस्तानसा भी जैसे आप कहें कि मुझे लहू की मजलिसों से वहशत है और इल्म की मजलिसों से लगाव है तो आप कहेंगे मिन मजालिस मजालिसवी व असतअ मजालिस इल्मी व दीन दिन यस्तौहिशु मिन अल मासी काना गज़ी दम आती अल्लाह की कसम हज़रत अली ज़्यादा आँसू बहाने वाले थे गज़ीर फ़ाइल का वज़न है ग़ुरु़ारत कसोरा के मायने में बहुत आँसू बहाने वाले थे तवीलफ़िक्रती बहुत ज़्यादा सोच और गौर वफिक्र करने वाले थे युकली कफ़्फ़ हो वो खिब व नफ्स हो अपना हाथ उलटते पुलटते और अपने आप से खिताब करते अपने आप से बातचीत करते हाथ उलटना पुलटना अफसोस की और ताजब की अलामत होती है फसबलीफन फ़काफ़िया साहिबुलजन्नतिन का वाक़ है कि जब उसके बाग़ तबाह हो गए तो वो हाथ मलता रह गया अफ़सोस करता रह गया तो हजरत हज़रतली अफ़सोस करते किस बात पर कि अल्लाह का हक़ अदा नहीं हो रहा है उम्मत का हक अदा नहीं हो रहा है ये नेक होने की अलामत है और अपने आप को